of you, a very warm welcome to this lecture. So today we are going to continue with solid state part 5, that is types of packing. Okay, so let's continue. So what are the types of packing? There are three types of packing: one dimensional packing, two dimensional packing, three dimensional packing. Now you can see on screen, two dimensional packing has been divided into two. That is AA type of packing, ABAB type of packing. Three dimensional packing is divided into three: AAA type of packing, ABAB type of packing, ABC, ABC type of packing. तो ये सब packings कैसे होते हैं, क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये सब का questions अभी हम लोग discuss करेंगे in further part. So let's start with one dimensional packing. Now here you can see in one dimensional packing atoms kaise hai, they only have one dimension, that is the length. So only one dimension is present, that is length. Kya hai, sirf yahan pe length hai, and therefore it is one dimensional packing. Now this packing is also known as linear type of packing. This is also known as linear type of packing. Now I am going to introduce one new concept here, that is coordination number. Now what is coordination number? Coordination number gives us the idea of number of atoms surrounding, या फिर हम लोग बोलते हैं कि बॉन्डिंग, बॉन्डेड सराउंडिंग अ पर्टिकुलर एटम. सो इसका एग्जांपल अभी जैसे मैंने ये वाला एटम कंसीडर किया, इफ आई हैव कंसीडर्ड दिस एटम, तो ये जो एटम है इट इज सराउंडेड बाय टू एटम, वन. Okay, this atom is surrounded by two atoms, one and two. So iska coordination number kya hoga? Two. So for this packing coordination number hai two. Theek hai, now let's move on to two dimensional packing. Two dimensional packing, now two dimensional packing are of two type, AAA type and ABAB type, you can see on screen. So in AAA type, अभी इसको AAA क्यों नाम दिया है? That is because all layers are same. You can see ये सब layers same है. All these layers are same. This all layers are same. ये atom है, इसके exact नीचे ये atom है, उसके exact नीचे ये atom, उसके exact नीचे ये atom है. इसके नीचे ये फिर ये, यू कैन सी ऑल एटम्स आर एग्जैक्टली एक के नीचे एक है. तो इसीलिए इनका जो लेयर्स है वो सब कैसा है, सेम टाइप का है. ऑल देयर लेयर्स आर ऑफ सेम टाइप. इसका लेयर कैसा है, सेम टाइप का है, इसीलिए इसको मींस, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि इसके लेयर के एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो सेम टाइप का है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, AAAA टाइप ऑफ पैकिंग. ओके, नाउ इन दिस AAAA टाइप ऑफ पैकिंग यू कैन सी इट इज टू डायमेंशनल, लेंथ भी है यहाँ पे एंड यू ऑल्सो हैव हाइट. लेंथ भी है और हाइट भी है. नाउ फॉर एबीएबी आल्सो यू कैन सी यू हैव लेंथ एज वेल एज यू हैव हाइट. सो दो डायमेंशंस है ना यहाँ पे, इसीलिए इट इज कमिंग अंडर टू डायमेंशनल पैकिंग. नाउ इफ यू सी हियर, इफ यू कंसीडर दिस एटम, नाउ दिस एटम का कैसा है, मीन्स ये एटम को जो पैकिंग है ये कैसे टाइप का पैकिंग है, स्क्वेयर ना. सो इसीलिए ए ए टाइप ऑफ पैकिंग को स्क्वेयर क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्क्वेयर क्लोज पैकिंग.
इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इज व्हाट? फोर. कोऑर्डिनेशन नंबर इज फोर. कैसे? अभी यही एटम को कंसीडर करो, इट इज सराउंडेड बाय वन टू थ्री फोर एटम, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज फोर. अभी यहाँ पे जो वॉइड्स है वो कैसे वॉइड्स है? वॉइड समझता है एम्प्टी स्पेस. यू कैन सी दिस आर दी वॉइड्स. ये वॉइड्स है यहाँ पे, वो जो व्हाइट है ना यहाँ पे बीच में, एटम्स के बीच में जो जनरेट हो रहा है, दैट इज दी वॉइड्स, खाली जगह, एम्प्टी स्पेस. सो दिस वॉइड्स आर हाफ क्यूबिकल, क्यूबिकल है, या फिर हम लोग क्यूबिकल नहीं तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर शेप के है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ए ए ए टाइप ऑफ पैकिंग. अभी अगर हम लोग ए बी टाइप ऑफ पैकिंग की बात करेंगे तो इन ए बी टाइप ऑफ पैकिंग यू कैन सी बी का जो लेयर है, दिस इज बी ए बी ए, ए बी ए बी. सो ए और ए लेयर मीन्स अल्टरनेट लेयर सेम है, इसके एग्जैक्ट नीचे ये. सो ये जो ए ए लेयर है उसका अरेंजमेंट सेम टाइप का है, और बी के एटम्स देखो वो एक्चुअली एक के नीचे एक के नीचे एक है, मींस बी बी का अरेंजमेंट सेम है. सो यहाँ पे कैसा है, अल्टरनेट लेयर हैव सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट. They have same type of arrangement, ठीक है. इसको यहाँ पे you can see here, if you consider this atom, it is इसका packing कैसे type है, कैसे लग रहा है, hexagon बन रहा है ना, hexagon. So इसको हम लोग क्या बोलते हैं, hexagonal closed packing. This is also known as hexagonal closed packing. Then अगर इसका मैं कोऑर्डिनेशन नंबर देखूंगी तो कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज दैट पर्टिकुलर एटम इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी एटम, सिक्स. सो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सिक्स है. कोऑर्डिनेशन नंबर को मैंने शॉर्ट में सी एन लिखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज सिक्स. नाउ इफ यू सी हियर वॉइड्स, ये जो वॉइड्स है ये देखो, दिस आर दी वॉइड्स. सो कैसे है, कौन से शेप के वॉइड्स है, ट्राइंगल शेप के वॉइड्स है ना. सो वॉइड्स कैसे है यहाँ पे, ट्राइंगुलर शेप के वॉइड्स है. नाउ टेल मी वेयर मोर एम्प्टी स्पेस इज देयर, ए ए में है कि ए बी में है. ए ए ए हैव मोर एम्प्टी स्पेस. सो अगर मुझे यहाँ पे लिखना है पैकिंग एफिशिएंसी, यू ऑल विल नोट डाउन दिस पॉइंट्स. ओके, सो इफ यू वांट पैकिंग एफिशिएंसी चेक करना है तो पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ ए ए ए is less than ABAB. क्यों? क्योंकि AA के voids जो है that are larger in size. Okay, so you all will note down these points. Okay, so this was all about two dimensional packing. Now we'll move on to three dimensional packing. बट बिफोर मूविंग ऑन टू थ्री डायमेंशनल पैकिंग हम लोग को यहाँ पे वॉइड्स करने हैं. विल डू वॉइड्स. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड. सो नाउ tetrahedral, tetrahedral itself say ki it has four heads. Okay, so you can see here, this is A type of packing and this is B type of packing. So B ke upar means abhi ye jo B hai, B kaisa hai, aisa hai, theek hai. Abhi idhar beech mein ek khali jagah aa rahi hai, uske upar hum log kya karte hai, A layer ko अरेंज करते. यू कैन सी हियर दे हैव शोन, दिस इज दी एम्प्टी स्पेस, और उसके एग्जैक्ट ऊपर हम लोग ने क्या किया है, ए लेयर के एटम को अरेंज किया है. तो ये चार एटम्स को मिला के बीच में जो वॉइड बनता है, दैट इज टेट्राहेड्रल शेप, एंड देयरफॉर इट इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड. तो ये दिखता कैसा है, हाउ इट लुक्स. सो यू कैन सी हियर, सी ये ऐसा दिखता है टेट्राहेड्रल वॉइड. नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे दो लेयर्स है,
ये जो है एटम ये ए लेयर का एटम है, और ये जो तीन लेयर है ये बी एटम के लेयर है. तो ये ए बी बी के ऊपर एग्जैक्टली इसको क्या किया है, यहाँ पे सिचुएट किया. अभी तुम लोग को मालूम है कि एटम्स कैसे होते हैं, एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं. यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए उनको दूर बताया, बट वो एक्चुअली एक दूसरे से कैसे होते हैं, अटैच्ड होते हैं. सो दिस इज बी लेयर के एटम, ये तीन एटम मीन्स ये दिस इज एफ सी सी. सो ये कॉर्नर एटम, ये वाला कॉर्नर एटम और ये वाला कॉर्नर एटम, और दिस इज ए वाला एटम. तो यहाँ पे भी तुम लोग ये वाला फोटो देख सकते हो, दिस इज फेस सेंटर्ड एटम, बी लेयर, दिस इज फेस सेंटर्ड एंड दिस इज ऑल्सो फेस सेंटर्ड. सो ये बी के एटम्स है. ओके, और उनके ऊपर एग्जैक्टली ये कॉर्नर वाला एटम सिचुएट किया, दिस इज ए वाला. तो ये दिखने के लिए कैसे दिखता है, दिस इज ए लेयर. ओके, और बी के जो एटम्स है वो कैसे है, एक दो तीन, दिस इज बी. तो ये ऐसे ज्वाइन होते हैं, ये तो यहाँ पे नीचे ऐसा ट्राइंगल बनता है एंड देन दिस इज गेटिंग ज्वाइन. तो दिस शेप इज ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ल्ड. ओके, सो यू कैन सी हियर, दिस इज दिस शेप इज टेट्राहेड्रल शेप. ओके, यू कैन सी हियर दिस, दिस इज बी लेयर, वो फेस वाले एटम्स है, और इसके ऊपर एग्जैक्ट उनके ऊपर ये ए वाला लेयर आ गया है. तो बीच में जो वॉइड आता है वो कैसा रहता है, टेट्राहेड्रल शेप का रहता है. एंड आई हैव ऑल्सो शोन यू टेट्राहेड्रल शेप, यू कैन सी इट हियर. नाउ नेक्स्ट इज ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड, ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड. नाउ ऑक्टा का मतलब एट नहीं है यहाँ पे, ऑक्टा का मतलब है सिक्स. यहाँ पे सिक्स एटम्स है, यू कैन सी हियर दिस इज बी लेयर एंड ये जो रेड में है वो ए लेयर है. ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर ये तीन, ये बी लेयर है और उसके ऊपर ये ए लेयर है. ए लेयर ऐसा है, ए लेयर इज लाइक दिस, इधर एक एटम, इधर एक एटम, इधर एक एटम. और बी लेयर कैसा है, उल्टा है. वेट, आई ड्रॉ इट. इधर एक एटम, इधर एक एटम, इधर एक एटम. सो अगर हम लोग ये एटम्स का अरेंजमेंट देखेंगे तो डिफरेंट है. सो ये जो है वो बी है और ये क्या है, ए है, या फिर जो भी है उल्टा बोल सकते हैं, दिस इज बी एंड दिस इज ए. तो ए के ऊपर क्या किया है, बी लेयर को अरेंज किया हुआ है. तो ये क्या फॉर्म करता है, ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड, इट इज फॉर्मिंग ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड. यू कैन सी हियर इसका शेप देखो ऐसा है अरेंजमेंट का, और इसका ऐसा है. ठीक है, तो एक के ऊपर एक करते हैं तो बीच में यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है. तो अभी ये कैसा दिखता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, आई विल शो यू. सी दिस इज एफ सी सी. नाउ सारे फेस सेंटर के एटम, फेस के एटम्स, आई विल जस्ट चेंज कलर. दिस इज वन फेस, सेकेंड फेस, थर्ड फेस, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, और ये इनको ज्वाइन किया तो क्या बन गया, ऑक्टाहेड्रल वॉइड. सो ये बेस है, इसका बेस कैसा है, स्क्वायर है. उसका बेस कैसा था, ट्राइंगुलर था, ऊपर एक एटम नीचे एक एटम मीन्स ऐसा है. इसका बेस कैसा है, स्क्वायर शेप का है. यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम. नाउ इधर एक एटम, ऊपर एक एटम, और ये ऐसा ज्वाइंट रहेगा इससे. Now my drawing is not that good, but you can just ऐसा. ठीक है, और टेट्रा में कैसा था, तीन एटम्स थे, तीन एटम्स थे बेस पे. यहाँ पे चार एटम्स है, इधर एक और इधर एक, और एक ऊपर एटम था ऐसा. ठीक है, सो दिस इज टेट्राहेड्रल एंड दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड. नाउ यू कैन सी हियर ये जो लेयर्स है, आई विल टेक डिफरेंट कलर. ये जो लेयर है ये बी लेयर है, दिस इज बी लेयर.
and this is a layer. Okay, so b layer के ऊपर क्या किया है, a layer को रखा है, तो अपने को कैसा void मिलता है, octahedral void मिलता है. अभी ये फिलहाल इतना means packing समझने के लिए इतना इतना knowledge को ले लो, उसके आगे अपने को और भी इसके बारे में पढ़ना है, so we'll do it in this lecture only. This is clear all of you. So like if you have n number of atoms, so tetrahedral void is double in number, means it will be 2n, and octahedral void it is n. Okay, yes, so all of you, we have to note down the information for this, that is tetrahedral voids are made up of 4 atoms, octahedral voids are made up of 6 atoms. Okay, if you have n number of atoms, so tetrahedral voids kitna rahega, 2n rahega, and octahedral voids kitna rahega, n rahega. So for example, if you have 10 atoms, so tetrahedral voids 20 rahenge and octahedral voids 10 rahenge, aisa. Okay, so itna kar इस ये जो अभी हम लोग ने voids के बारे में स्टडी किया उसके बेस्ड अभी हम लोग क्या करते हैं, 3D पैकिंग कंटिन्यू करते हैं. So all of you just see here, 3D packing का first type है AAA type packing. So in AA type packing, you can see here, this is, there are 3 dimensions. Length है, you also have height, and you also have width. Okay. 3 dimensions are present. Now in AAA type packing, ये जो AAA, ये सब सारे same type के packing है. AAA. So you can see here, this is same type packing. इसके exact नीचे ये packing है. इसके exact नीचे. So this is A type layer. This is A type layer. A type layer. A type layer. और ये सारे लेयर्स कैसे हैं, सेम अरेंजमेंट के, एक के नीचे एक, एग्जैक्टली सेम अरेंजमेंट के हैं. ओके, सो वील राइट डाउन हियर, ऑल लेयर्स आर ऑफ सेम टाइप. नाउ दिस इज आल्सो नोन एज, यू कैन सी हियर, यहाँ पे सिंपल क्यूब बन रहा है, यहाँ पे क्यूब बनाया हुआ है, इसके हर एक कॉर्नर पे एटम है, ये वाला एटम ये कॉर्नर पे, ये वाला एटम ये कॉर्नर पे, ये इधर है, ये इधर, ये पीछे है 6th वाला, दिस इज 7 एंड दिस इज 8th वन. सो ऑल एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर ऑफ दिस क्यूब. सो ये जो है वो सिंपल क्यूब का अरेंजमेंट बनाता है, it forms simple cube unit cell in its arrangement. Now if we talk about the coordination number, to agar ye atom consider karti hu this, so it is surrounded by 1, 2, 3, 4 यहाँ पे हुआ, इसके पीछे एक आएगा 5 और इसके आगे एक आएगा 6, so coordination number is 6. Now since it is a simple cube, इसका packing कितना रहेगा, इसका packing will be how much, फिफ्टी टू परसेंट
Okay, so this was all about AAA type of packing. Now let's move on to next type of packing. Abhi next type of packing jo hai abhi wo kaise banta hai? How it gets formed? AB type of packing. Abhi AB type of packing kaise banta hai? If third layer is placed over second layer on covering tetrahedral voids, then AB type of packing takes place. Okay, all of you. So now you can see here A जो है same type का packing है, B जो है वो same type का packing है. And here we have three dimension. You can see length भी है, height भी है और width भी है. Length is also there, height is there and width is also there. Alternate layer will have same type of arrangement. Okay. अभी ये जो है यू कैन सी हियर ये क्या बना रहा है हेक्सागोन बना रहा है सो इट फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग ये क्या बनाता है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग बनाता है अगर मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखती हूँ तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है अगर इफ यू कंसीडर दिस एटम so it is surrounded by 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 atoms so iska coordination number kitna hai it is 12 coordination number is 12 अभी इसके अंदर कैसा होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी आते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी आते हैं बट हम लोग ने क्या किया है थर्ड लेयर को किसके ऊपर प्लेस्ड किया है सेकंड लेयर के ऊपर कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स सो हियर इन दिस पैकिंग वी आर ओनली कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स तो कौन से वॉइड्स को हम लोग कवर करते हैं उसके ऊपर पैकिंग बनता है तो AB पैकिंग कैसे बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करके बनता है ABC जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करके बनता है ओके सो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग का पैकिंग एफिशिएंसी जो है इट्स पैकिंग एफिशिएंसी इज 74% जस्ट लाइक सो इट्स जस्ट लाइक FCC ठीक है अभी यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे एटम्स तो ये जो ये वाला जो लेयर है दिस इज ए लेयर ठीक है ये वाला जो लेयर है दिस इज बी लेयर एंड अगेन ए लेयर फिर इसके ऊपर अगेन बी लेयर फिर ए लेयर सो दिस विल गेट कंटिन्यू एंड जब हम लोग इसको मर्ज करते हैं इट फॉर्म हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग ओके नाउ नेक्स्ट इज एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग
नाउ इन एबीसी एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग थर्ड लेयर जो है यहाँ पे क्या होता है, थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ऑन सेकेंड लेयर कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वर्ल्ड. ओके, नाउ फर्स्ट एवरी फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर इज सेम. फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर इज सेम. यू कैन सी दिस इज ए 1, 2, 3, 4. सो एवरी फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर इज सेम. नाउ इफ यू सी द कोऑर्डिनेशन, अभी यहाँ पे अगर तुम लोग को दिख रहा है रहेगा कि बी एंड सी जो है वो सेम है, तो बट ध्यान से देखो, इट इज नॉट सेम. उल्टा ट्राइंगल है, उल्टा ट्राइंगल. सो लेयर इज डिफरेंट. ओके, सो अभी मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर लेना है. अभी जैसे ये है ए बी सी, इस ए है, इसके ऊपर बी रहेगा, इसके ऊपर सी रहेगा. ठीक है, तो अभी मैंने अगर ये वाला एटम कंसिडर किया, सो इट इज सराउंडेड बाय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इसके ऊपर आएगा 10, 11, 12. सो हियर ऑल्सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12. और इसका जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो तो अपने को पता ही है, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड पैकिंग एफिशिएंसी, दैट इज 74%. ओके, नाउ इसको अभी हम लोग ने मर्ज किया, ए ए बी सी ए बी सी, तो ये मर्ज करने पे क्यूबिक शेप बनाता है, इट फॉर्म्स एफ सी सी. इट फॉर्म्स एफ सी सी, फेस सेंटर्ड क्यूब, और इसको हम लोग क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग भी बोलते हैं, क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग. एफ सी सी को ही क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग भी बोला जाता है, सी सी पी. ओके, तो यहाँ पे अभी जैसे एच सी पी में अपने को क्लियरली समझ में आता है कि ये हेक्सागोनल पैकिंग बना रहा है बाय लुकिंग एट द स्ट्रक्चर ऑफ द लेयर्स, है ना. बट यहाँ पे इन एबीसी एबीसी एफसीसी थोड़ा सा इमेजिन करना डिफिकल्ट है. सो यू कैन जस्ट सी इन यहाँ पे देखो जरा लेयर, तो तुम लोग को समझ में आएगा. ए लेयर, सी लेयर, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, ए लेयर. ठीक है, तो अभी ये यहाँ पे एफ सी सी बना है. सो ये ए लेयर है. नाउ यू कैन सी बी लेयर इज ऑन द कॉर्नर, फेस पे है और ये कॉर्नर पे है, फिर फेस पे है, फिर ये कॉर्नर पे है. सो दिस इज बी लेयर. नाउ सी लेयर, यू कैन सी हियर, कॉर्नर पे है, फेस पे है, कॉर्नर पे है, सी लेयर. एंड अगेन ये कॉर्नर पे क्या है, ए लेयर है. सो ये जो है ऐसे करके क्या बना रहा है, एफ सी सी अरेंजमेंट कर रहा है. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट एबीसी एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग. सो यहाँ पे अपना पैकिंग का टाइप्स खत्म हो गया. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इज लोकेशन ऑफ वॉइड. सो हियर यू कैन, इन पिक्चर यू कैन सी टेट्राहेड्रल वॉइड्स. टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर लोकेटेड ऑन डायगोनल. कहाँ पे लोकेटेड है, डायगोनल पे है. सो अगर हम लोग स्क्वायर कंसीडर करते हैं, स्क्वायर के अंदर, इन स्क्वायर और नॉट इन स्क्वायर, इन क्यूब देयर आर हाउ मेनी डायगोनल्स, दिस इज, यू कैन सी दिस इज 1, 2. तो ऐसा ही अपोजिट डायरेक्शन में भी रहेगा ना. सो देयर आर टोटल 4 डायगोनल्स. कितने डायगोनल्स है, 4 डायगोनल्स. नाउ ऑन एवरी डायगोनल
you will have two voids on every diagonal. Two tetrahedral voids are there. You can see here. 1, 2. 1, 2. So यहाँ पे 4 हुआ, वैसा ही अपोजिट साइड में भी 4 होगा. 1, 2, 3, 4. सो टोटल कितना हो गया? 2 × 4, दैट इज 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स. देर आर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स. ओके, सो ये जो डिस्टेंस है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर सिचुएटेड एट 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ डायगोनल. सो ये जो डिस्टेंस है कॉर्नर से, और ये जो सिचुएटेड है, ये जो है वो 1/4 है. दिस इज 1/4. तो ये पूरा कितना हो गया? 3/4 हो गया ना. सो ये जो डिस्टेंस है, दिस इज 1/4. This distance is 1/4 from the corner. So you can see here, ये यहाँ पे void बन रहा है, tetrahedral void. So ये किधर? Diagonally है, means अभी ऐसा भी यहाँ पे भी रहेगा. इसके diagonally means यहाँ पे भी ऐसा रहेगा एक tetrahedral void. तो वैसे ये एक diagonal हो गया. This is one diagonal. तो ऐसे 8, there are 4 diagonals. So 4 diagonals पे 8 voids होते हैं. This is clear all of you. So if you take FCC, ये जो arrangement है ये FCC का ही है. FCC में कितने atoms होते हैं? 4 atoms होते हैं. As we discuss, if you have n atoms, there will be 2n tetrahedral void. तो tetrahedral voids कितने हैं? 8 है. तो 8 कैसे है? तो ये अभी हम लोग ने यहाँ पे ऑलरेडी स्टडी कर लिया है. ओके, नाउ सिमिलरली विल डू इट फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. ऑक्टाहेड्रल वॉइड. सो नाउ इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड यू कैन सी लोकेशन. Octahedral voids are situated in the center. जो अभी हम लोग ने किया था, ये देखो, ये सेंटर में ऐसा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सेंटर में है. प्लस ऑन द सेंटर ऑफ, ऑन द सेंटर ऑफ एवरी एज, सिचुएटेड इन द सेंटर एंड ऑन द सेंटर ऑफ एवरी एज, एवरी एज के सेंटर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, so there are 12 edges of cube. So on 12, sub 12 edges pe, edge ke center pe kya hota hai? Octahedral void is situated. Okay, abhi mujhe count karna hai. Abhi ye jo edge hai, abhi ye ek unit cell hai. स्पेस लैटिस के अंदर ये जस्ट एक यूनिट सेल है. अब इसके ऊपर एक सेल रहेगा, ठीक है? इसके ऊपर एक रहेगा क्यूब. वैसे ही ये इसके ये साइड पे एक रहेगा, इसके साइड पे. तो अगर मैं ये वाला एच देखूंगी, इफ आई सी दिस एच, so this edge will is shared by, this edge is shared by 4 cubes. Every edge is shared by 4 cubes. तो अगर ये जो, अगर ये एज जो है 4 क्यूब्स में शेयर्ड हो रहा है, सो
tetrahedral void is also shared by four cubes. So therefore, octahedral void is also shared by four cubes. And therefore, in each cube, इसका 1/4 part आता है. In each cube, 1/4 part contribution is there. Yes, all of you correct ना? इसका 1/4 part जो है वो ये cube के अंदर है, 1/4 इधर है, 1/4 इसके बाजू वाले में है और 1/4 इसके बाजू वाले में है. ठीक है, तो अगर मुझे octahedral voids count करने हैं तो मैं कैसे count करूंगी octahedral void? One is in the center, तो वो complete अंदर है, you can see. और 1/4 into 12 ना, हर एक का 1/4 is present inside the cube into 12, so it will become 1 + 3, that is 4. So there are total 4 tetrahedral voids present in FCC. तो अभी मैंने यहाँ पे तुम लोग को view बताया है center वाले इसका. In next slide I'll show you for edge. अभी ये देखो edge के center में, means ये edge है, this is the edge. और इसके सेंटर में, इसके सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो कैसा है ये देखो, 1, 2, 3, 4 एटम्स जो है वो ये वाले इसके है, 1, 2, 3, 4 और बाकी ये जो दो है वो बाजू वाले क्यूब के है. सो इसका इतना ही पार्ट अंदर आता है, दैट इज दी 1/4 पार्ट, बाकी 3/4 पार्ट बाहर है. ठीक है, तो ऐसे हर एक एच पे क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट रहेगा. तो अगर मेरे पास में एफसीसी है, एफसीसी में 4 एटम्स है, यू कैन सी दिस क्यूब इज एफसीसी, सो देर आर 4 एटम्स, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं, 4 है. तो यही हम लोग ने स्टडी किया था, इफ देर आर एन एटम्स देर विल बी एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. सो इफ देर इज 4 atoms in FCC, there will be 4 octahedral voids. Octahedral voids ka location kya hai? They are present in the center and on the center of every edge. To yahan pe jitne bhi points maine tum log ko likhwaye hai, you have to study each and every point. You have to note down each and every point very thoroughly. This is clear all of you? Okay. So now, I'll stop here only in this lecture and in next lecture hum log iska continuation karenge. Okay, so all of you, your homework is you have to study and come. What is your homework? You have to study whatever I have taught you in this video lecture. You have to make notes and I'm going to take oral in live lecture. This is clear all of you? Okay. So I'll stop here. Bye bye. Take care.